फ्रेंड्स, बॉलीवुड बस के साथ मैं कीर्ति एक बार फिर से हाजिर हूँ। आइए डालते हैं एक नजर बॉलीवुड गलियारे पर। बॉलीवुड की लोलो यानी कि करिश्मा कपूर आज मना रही हैं अपना जन्मदिन। फिल्म राजा हिंदुस्तानी में एक किसिंग सीन से रातों रात स्टार बनी करिश्मा कपूर के लुक का लोग उड़ाते थे काफी ज्यादा मजाक। 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस रही करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून 1974 को मुंबई में हुआ था। करिश्मा जब तक बॉलीवुड में रही तब तक सिल्वर स्क्रीन पर छाई रही। कपूर खानदान से ताल्लुक होने के बावजूद करिश्मा को बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। करिश्मा कपूर इन दोनों अपनी दूसरी शादी को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करिश्मा अपने बॉयफ्रेंड संदीप तोशनीवाल से शादी करना चाहती हैं। करिश्मा कपूर ने जब फिल्मों में एंट्री की तब उनकी उम्र महज 15 साल थी। 1991 में उनकी पहली फिल्म प्रेम कैदी रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने साउथ के हीरो हरीश कुमार के साथ काम किया था। साल 1996 में आई फिल्म राजा हिंदुस्तानी ने करिश्मा कपूर को सितारा बना दिया। हालांकि करिश्मा ने जब बॉलीवुड में एंट्री की थी तो उनके लुक को लेकर काफी ज्यादा मजाक बनाया जाता था। किसी ने उन्हें लेडी रणधीर कपूर कहा तो कुछ लोगों ने उन्हें लड़के जैसी दिखाई देने वाली एक्ट्रेस कहा। राजा हिंदुस्तानी करिश्मा कपूर के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में पहली बार करिश्मा ने किसी हीरो को किस किया था। तेज बारिश में करिश्मा और आमिर का वो किसिंग सीन काफी चर्चित रहा। इस फिल्म में आमिर करिश्मा के किसिंग सीन को बॉलीवुड फिल्म का सबसे लंबा किसिंग सीन माना जाता है। साल 2002 में करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की सगाई हुई थी जो कुछ महीनों बाद टूट गई। करीना ने तो अभिषेक को अपना जीजू तक पुकारना शुरू कर दिया था। इस सगाई के टूटने की वजह अभिषेक बच्चन की माँ जया बच्चन को माना जाता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। 20 साल बाद आईफा में दिखा रेखा का जलवा। 63 साल की उम्र में इस एक्ट्रेस ने थाम ली थी लाखों दिलों की धड़कनें। इन दोनों बॉलीवुड के सभी सितारे बैंकॉक में आईफा अवार्ड 2018 का आनंद ले रहे हैं। अवार्ड नाइट में शामिल होने वाली कई सेलिब्रिटी ने स्टेज परफॉर्मेंस भी दी। इनमें सबसे बड़ा नाम था रेखा का। जब लोगों को मालूम चला कि आज रात रेखा स्टेज परफॉर्मेंस देने वाली हैं तो लाखों दिलों की धड़कनें बढ़ गई। सभी बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा रेखा की परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतजार करने लगे। इसके बाद जो हुआ वो बेहद खास था। जी हाँ, रेखा ने आईफा अवार्ड नाइट में ऐसा डांस किया कि महफिल में चार चांद लग गए। उन्होंने बॉलीवुड की शानदार फिल्म मुगले आजम के गाने जब प्यार किया तो डरना क्या और फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के गाने सलाम इश्क मेरी जा पर परफॉर्म किया। रेखा परफॉर्मेंस देने के लिए जैसे ही स्टेज पर उतरी वहां मौजूद लोगों की आंखें उन्हीं पर टिक गईं। उम्र के इस पड़ाव में रेखा का बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस देखकर लोगों को ताज्जुब होने लगा। बता देना, केवल डांस में बल्कि अपने लुक्स को लेकर भी रेखा काफी ज्यादा लोगों के दिल जीत चुकी हैं। यह स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। मालूम होता है कि बीते दिनों आईफा अवार्ड्स नाइट में रेखा की परफॉर्मेंस को लेकर खुलासा हुआ था। बस तभी से उनके फैंस उनकी इस अंदाज को देखने के लिए बेकरार थे। गौरतलब है कि रेखा ने तकरीबन 20 साल बाद स्टेज परफॉर्मेंस दी है। बढ़ते हैं मनोरंजन की तीसरी और आखिरी खबर की ओर। लुक को बेहतर बनाने के लिए पॉप किंग माइकल जैक्सन ने कराई थी सर्जरी। पर्सनल लाइफ में थे बेहद अकेले। किंग ऑफ पॉप के नाम से मशहूर माइकल जैक्सन के 2009 जून में अचानक हुए निधन से पूरी दुनिया और उनके प्रशंसक हैरानी में रह गए। माइकल जैक्सन की आज पुण्यतिथि है। माइकल लॉस एंजलिस के अपने घर में मृत मिले थे। बताया गया कि कार्डियक अरेस्ट के चलते उनकी जान गई थी। माइकल जैक्सन अकेले ऐसे गायक, गीतकार, पॉप डांसर हैं जिन्हें रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। माइकल जैक्सन का पॉप और रॉक म्यूजिक आज पूरी दुनिया में प्रचलित है। उनके नाम पर 13 ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी लेजेंड अवार्ड, ग्रैमी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, 26 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड दर्ज है। 1987 में रिलीज म्यूजिक वीडियो स्मूथ क्रिमिनल में माइकल जैक्सन ने जो स्टेप किया था वो कर पाना आज भी किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा वो खास जूतों की मदद से करते थे जिसका पेटेंट उनके दो साथियों के नाम था। माइकल जैक्सन ने दुनिया को रोबोट और मून वॉक जैसे खास डांसिंग का हुनर ही नहीं बल्कि हिप हॉप, पोस्ट डिस्को, कंटेम्प्रेरी, R&B, पॉप और रॉक भी सिखाया। माइकल जैक्सन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा विवादों में रहते थे। अपने लुक को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई। हालांकि जैक्सन ने न केवल दो बार प्लास्टिक सर्जरी कराने की बात को स्वीकार किया। कहते हैं माइकल जैक्सन ने अपनी मौत से पहले किए गए परफॉर्मेंस में खुद को गोली से मार दिए जाने की आशंका भी जताई थी। बॉलीवुड की ऐसी तमाम अपडेट्स के साथ हम हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।